जो भी डिटेल है बताइए। देखिए इस वक्त राजभवन में सबकी निगाह है क्योंकि वहां पर थोड़ी समय में अगले 15 से 20 मिनट में अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे ऐसी पूरी जानकारी है। इसके अलावा छगन भुजबल और जो सीनियर मिनिस्टर्स है वो भी उनके साथ शपथ लेंगे। अजित पवार के साथ करीबन 30 से ज्यादा विधायक जो है करीबन दो तिहाई विधायक जो लगते हैं वो अजित पवार के साथ है ऐसे उनके खेमे का कहना है। और एक बहुत बड़ी फूट जो है एनसीपी में आई है, कहा जाए तो एनसीपी में इतना शिंदे पार्ट टू हो गया है। और इसकी 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 न्यूज जो है कुछ दिनों पहले ही रखी गई थी जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, तब सूत्रों का यह कहना है कि अमित शाह के साथ एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और अजित पवार जिस तरह से कुछ दिनों से नाराज चल रहे थे और जिस तरह से शरद पवार ने भी बयान दिए थे और कहा था कि उनकी गुगली से फडणवीस जो है क्लीन बोल्ड हुए, लेकिन फडणवीस ने कहा कि वो नहीं बल्कि उन्होंने अपने भतीजे को एक क्लीन बोल्ड कर दिया है, उनकी फोन खोल दिए। तो उससे तमाम घटनाओं से अजित पवार नाराज चल रहे थे, जिस तरह से उनका कहना था कि उन्हें पार्टी में कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो ये संकेत थे बिल्कुल और ये होना ही था। यूं कहा जाए तो अप्रैल में होना था लेकिन शरद पवार ने जो इस्तीफे का एक चाल चली उसके कारण कुछ ये पोस्टपोन हो गया, लेकिन आज न कल ये होना ही था। और जो जिस तरह से बैठक हुई और उस पर अंतिम मुहर लगी दिल्ली में, उसके बाद अजित पवार बीजेपी नेताओं के साथ जो है वहाँ विधान भवन पहुंचे हैं, राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन में थोड़ी देर में शपथ ग्रहण समारोह जो शुरू हो जाएगा। अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ लेंगे, उनके अलावा छगन भुजबल, मुश्रीफ हसन मुश्रीफ, अदिति तटकरे और धनंजय मुंडे ये भी उनके साथ जो है शपथ लेंगे, हमें पुख्ता जानकारी यहाँ पर हाथ लगी है मिली है। तो एक तरह से सचिन ये तो सारे के सारे आप कह सकते हैं जो एनसीपी की टॉप लीडरशिप है वो पूरी की पूरी अजीत पवार के साथ है। अजीत पवार, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, प्रफुल्ल पटेल, प्रफुल्ल पटेल तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे अभी अभी पार्टी के सुप्रिया सुले के साथ। जी वो बनाए इसलिए दो कार्यकारी अध्यक्ष इसीलिए बनाए गए थे कि प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, सुनील तटकरे, ये पिछले कुछ दिनों से चर्चा थी कि करीबन साल भर पहले से ही ये एनसीपी जो है एनडीए में शामिल हो, बीजेपी के साथ जाए, इस तरह की उनका एक धड़ा था। अजित पवार और उनके जो साथी है प्रफुल्ल पटेल, उनको एनसीपी की ईडी गुट कहला जाता था, यानी कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की समर्थन वाला एक गुट कहला जाता था। और यही कारण था कि दो कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए बनाए गए थे कि अजित पवार का जो खेमा था यानी कि प्रफुल्ल पटेल वो कहीं ना कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल ये दो जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन जो चर्चा की शुरुआत हुई थी वो प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, इन्हीं वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली स्तर पर शुरुआती बातचीत की थी और उसके बाद जो है पूरी प्लानिंग आगे बढ़ी। लेकिन जब ये मई में जो ये पूरा सत्ता बदल होने वाला था तब शरद पवार ने इस्तीफे का एक चाल चली और उसके बाद उस पर ब्रेक लगा, लेकिन ये थोड़े समय का ब्रेक था, लेकिन ये होना था, ये पूरा तय था एनसीपी में महाविकास आघाड़ी। देखिए ये कहा जा रहा है सचिन कि प्रफुल्ल पटेल का नाम मंत्री जो लोग बनेंगे उस लिस्ट में शायद नहीं है, लेकिन वो राजभवन में मौजूद है, तो ये क्लियर करना होगा अभी कि वो अजीत पवार के साथ ही है इस वक्त या नहीं। जी राजभवन में है प्रफुल्ल पटेल, वहां पर अजीत पवार के साथ ही है और हो सकता है कि प्रफुल्ल पटेल राज्य के केंद्रीय राज्य मंत्रिमंडल तो वो शामिल नहीं होंगे, वो राज्यसभा के जो है सांसद भी है, तो एनसीपी जो है एनडीए में शामिल होगी अजित पवार का गुट और तब प्रफुल्ल पटेल जो है केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। ये मैं आपको जानकारी बता दूं कि प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जो है ये केंद्र में मंत्री बन सकते हैं एनडीए में, अगर एनसीपी ये एनसीपी का जो फूटा हुआ गुट है बागी गुट है वो एनडीए में शामिल होगा और उसके बाद ये केंद्र में मंत्रिमंडल अगर विस्तार होगा आगे तो उसमें भी ये शामिल होंगे। लेकिन बहरहाल जो है महाराष्ट्र के सियासी जो है भूकंप आया हुआ है और इसका झटका सिर्फ शरद पवार को ही नहीं बल्कि एमवीए को लग रहा है, क्योंकि एमवीए जो एकजुटता की बात कर रही थी, जो कह रहे थे कि हम तीनों एक साथ लड़ेंगे तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है और एमवीए जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल अब कमजोर हो जाएगी, क्योंकि अब एनसीपी का बहुत बड़ा धार जो है वो एनसीपी अजित पवार के साथ जाएगा तो यकीनन जो है एनसीपी को नुकसान होगा ही होगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी को भी बहुत बड़ा इसका नुकसान होगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा, आपने भी इस्तेमाल किया शब्द, ये है एकनाथ शिंदे पार्ट टू, अजित पवार एकनाथ शिंदे पार्ट टू बन गए। एकनाथ शिंदे अपनी शिवसेना पार्टी के 56 में से 40 विधायक तोड़कर लाए थे और अजित पवार 54 में से 30 से ज्यादा तोड़कर ले आए। सचिन ये सब ये पूरा खेल बताया जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई दिल्ली में जो बैठक हुई, गृहमंत्री अमित शाह उनके साथ मौजूद थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, वहां से ये सब कुछ घटनाक्रम आगे बढ़ा है। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि दो दिन पहले ही
जिस दिन आषाढ़ी एकादशी थी उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री जो है सीधे मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए, उनके पीछे पीछे देवेंद्र फडणवीस वो भी दिल्ली के लिए रवाना हुए और रात को करीबन 12:30 बजे तक जो है बैठक हुई, सीक्रेट मीटिंग हुई। लेकिन अजित पवार पिछले 4 दिन से भी जो है कहीं मीडिया में नहीं आए थे, उन्होंने कुछ बयान वगैरह नहीं दिया था, वो भी दिल्ली में गए और उनकी सीक्रेट मीटिंग हुई। इसके अलावा अजित पवार के तरफ से, उनके खेमे की तरफ से सुनील तटकरे जो कि वरिष्ठ नेता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं एनसीपी के, वो और प्रफुल्ल पटेल। आपको रोक रहा हूं इस वक्त, दिनेश मौर्या जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश, क्या खबर, क्या अपडेट? देखिए, सीधे तस्वीरें मैं उन नेताओं की दिखाता हूं जो आज शपथ लेने वाले हैं। मंच के ठीक सामने दाईं तरफ जो पहली कतार आप देख रहे हैं, उस कतार में बैठे हैं जो छगन भुजबल बैठे हैं, उनके ठीक बगल में दिलीप वलसे पाटिल बैठे हुए हैं, सुनील तटकरे बैठे हुए हैं, साथ ही में बीजेपी के जो नेता है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये तमाम नेता जो है आज शपथ लेने वाले हैं। साथ ही में देखिए, सामने अगर आप मुख्य स्टेज पर देखेंगे तो वहाँ पर 3 चेयर्स आपको दिखाई देंगे, 3 चेयर, एक पर राज्यपाल बैठेंगे, दूसरे पर जो है जो नेता शपथ लेंगे एक एक कर